फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा बाय दिशा। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इनमें क्या करना है आपको, विच इज़ ग्रेटर, इसमें ग्रेटर बताना है आपको, ग्रेटर नंबर कैसे कौन से हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है 0.5 और 0.05। मोस्टली इन क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल देख के ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि डेसिमल है किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, समझ नहीं आता, और वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। वो ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद क्या है, एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो वो सीधा क्या करते हैं, ये ग्रेटर नंबर है और इसी को ऑप्शन में, मोस्टली अगर ऑप्शन में होता है तो टिक करते हैं और उसको गलत कर देते हैं। तो आज इन्हीं क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर लिखा है 0.5 और 0.05, तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, अगर डेसिमल के बाद वन डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद टू डिजिट है, तो हमें इस वाले नंबर में भी डेसिमल के बाद दो डिजिट ही करनी पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे, हम डेसिमल के बाद जीरो ऐड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.5, 5 के बाद एक जीरो लगा देंगे तो टू डिजिट होगी पॉइंट के बाद, और यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ ऑलरेडी है 0.05। अब आप इजीली डेसिमल के बाद नंबरों से कंपेयर कर सकते हैं ये कौन सा नंबर ग्रेटर है। यहाँ 50 है और यहाँ 05 है, तो यहाँ 50 क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 0.50 इज ग्रेटर। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे 2.03 और 2.030। इसको हम वैसे डेसिमल बोलते हैं लेकिन हम नॉर्मल में हम इसको पॉइंट से काम चला लेते हैं, अदरवाइज इसको डेसिमल बोला जाता है। तो यहाँ पे डेसिमल है बीच में, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट डिजिट जो डेसिमल से पहले है वो सेम है, तो हम यहाँ से तो कंपेयर नहीं कर सकते कौन सा नंबर ग्रेटर है, हमें डेसिमल के बाद देखना होगा। डेसिमल के बाद क्या है 0.03 और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद क्या है 3.0। सबसे पहले डिजिट देखेंगे, दो डिजिट है, यहाँ पे भी जो दो डिजिट है, ऐसा नहीं है टू ही होंगे, थ्री भी हो सकती है, वन भी से भी हो सकता है कंपेयर, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों जो जिसमें भी हमें कंपेयर करना है दोनों नंबर्स सेम होने चाहिए, डेसिमल के बाद जो डिजिट होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे टू डिजिट है, यहाँ भी टू डिजिट है, तो अब चेक करेंगे 0.03 और यहाँ पर है 3.0, तो आपको पता है 3.0 ज़्यादा होगा, तो हमारा जो नंबर है वो कौन सा ग्रेटर होगा, 2.30 इज ग्रेटर। नेक्स्ट देखेंगे 0.8 और 0.88, सेम करेंगे, इसमें भी हम डेसिमल के बाद टू डिजिट नहीं है, यहाँ पर टू डिजिट है, तो पहले इसको टू डिजिट कर लेते हैं, एट के बाद हम क्या करेंगे ज़ीरो लगा देंगे, और यहाँ पर हमारा 0.88। तो अब यहाँ देखेंगे डेसिमल के बाद 80 यानी कि 80 और यहाँ पर डेसिमल के बाद 88, तो कौन सा बड़ा होगा, 88, तो हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है, 0.88। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 7.0 और 0.7, इसमें कैसे कंपेयर करेंगे, आप सबसे पहले पॉइंट से पहले देखेंगे, डेसिमल से पहले क्या है 7 है और डेसिमल से पहले क्या है 0, तो ईजिली कंपेयर हो गया, पहले डेसिमल से पहले ही कंपेयर हो गया ये, तो यानी कि जो 7 है वो क्या है ग्रेटर है, 7 इज़ ग्रेटर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।